हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा आपके दिलों में, जोश जगाता रहूंगा। हेलो हेलो, केमसन बात कर रहे हैं? यस, केमसन बात कर रहे हैं। सर, आरबीएल से बात कर रही हूँ। क्यों बात कर रही है मैडम? हाँ जी, क्यों बात कर रही है? क्यों बात कर रही हूँ मतलब? आरबीएल से बात कर रही है, क्यों बात कर रही है बताइए। इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आपके कार का ऑफरिंग ड्यू चल रहा है, आप पेमेंट नहीं कर रहे हो। अच्छा मैडम, पेमेंट नहीं कर रहा मैं, कितना? 1,12,384 रुपए का आपका आउटस्टैंडिंग ड्यू चल रहा है। मैडम आपको नहीं पता ये पेमेंट में डिफॉल्ट कर रहा हूँ? क्यों कर रहे हो वही पूछ रहे हो सर। मैडम इंटेंशन है, इंटेंशन प्रॉब्लम है। हाँ मैडम, इंटेंशन प्रॉब्लम है आपकी, इसलिए पेमेंट नहीं करना चाह रहे हो। यस मैडम, यू आर राइट मैडम। मैडम आपको कैसे पता? अभी आप ही ये बोला ना सर, ओह सॉरी सॉरी मैडम, इंटेंशन मैंने प्रॉब्लम बोला। है आपकी, आप पेमेंट नहीं करना चाह रहे हो। हाँ मैडम, मैंने बोला था, भूल गया। ठीक है, कोई बात नहीं। मैडम आपका नाम? धन्यवाद सर, मैडम आपका नाम तो, इंटेंशन प्रॉब्लम है आपकी। नाम तो बता दीजिए मैडम। निशा शर्मा। ओ निशा शर्मा, ठीक है मिस निशा, बता दिया मैंने आपको। हेलो हेलो, हेलो संदीप सिंह से बात हो रही सर? संदीप सिंह, हाँ बताइए। अच्छा, संदीप सिंह जी बात कर रहे हैं, अंकुर बात कर रहा हूँ सर, कोटक महिंद्रा बैंक के भी आप। ओ कोटक महिंद्रा बैंक से बोल रहा हूँ, और बताइए सर, बैंक में रिकवरी कैसी चल रही है? रिकवरी मस्त चल रही है, पेमेंट तो करा दो सर। पेमेंट तो सर देखो, मैं तो थोड़ा मुश्किल है मेरे से, आप पेमेंट ले लो। क्यों सर? क्योंकि मैं सर दूंगा ही नहीं, कोई वजह तो होगी सर। वजह सर अभी जो है ना, मनी इशू चल रहा है थोड़ा, तो इसका जो है ना, या तो करेंगे 2 महीने बाद पेमेंट, वरना कुछ सेटलमेंट का देखेंगे। तो इसका मिनिमम अमाउंट तो करवाओ दो सर। बेयर मिनिमम नहीं दूंगा सर मैं, क्योंकि मैं जो है ना थोड़ा सोच रहा हूँ, अगर हो गया तो सिविल बच गया तो ठीक है, वरना सेटलमेंट करूंगा। तो सिविल बचा लो, समझे नहीं ना, मल्टीपल डेप्ट है मेरे ऊपर, वो चीज ठीक है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि सिविल बचा लो, रिवर्सल ले लो, कुछ जो आपने यूज अमाउंट करा है वो पे करा दो। अरे देने वाली कंडीशन होती तो फोर क्लोज ना कर देता। अच्छा तो फिर आरटीपी कर दो इसका, जो लीगल नोटिस निकलवा दो सर। लीगल नोटिस तो देखो सर आप निकलवा दो, क्योंकि यहाँ पे ना मेरे घर पे वैसे कागज खत्म हो रहे हैं समोसे रख के खाने को। आप लीगल नोटिस यहाँ घर पे जो है ना भिजवाना, फिजिकल डिजिटल मत भिजवाना। नहीं फिजिकली भिजवाएंगे सर, डिजिटल भिजवाएंगे। ओके सर, ओके, जेन्युइन भिजवाएंगे विद टीम के साथ। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ सर आप ही लेके आ जाना, चाय नाश्ता करेंगे, बोतलें शोतलें खोलेंगे दोनों भाई मिलकर। पीते ही नहीं सर मैं? नहीं सर, पेप्सी की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, मैं भी उस टाइप का व्यक्ति नहीं हूँ। पीता ही नहीं सर मैं, पेप्सी भी नहीं पीते, पेप्सी भी नहीं पीता सर मैं। चलो सर, आपके लिए छाछ लस्सी दूध कुछ भी। ये हाँ देसी है भाई। अच्छा आप हरियाणा के तो नहीं है? हरियाणा से तो नहीं हो? नहीं नहीं यूपी के। अच्छा अच्छा यूपी के हो, यूपी से तो बहुत पुराना रिश्ता है। यूपी के जी, यूपी के बंदे दिल वाले बहुत अच्छे होते हैं। जो यूपी में दो तरीके का बंदे होते हैं, हरामी भी बहुत होते हैं। अरे सब बढ़िया यार। नहीं वही तो बता रहा हूँ, मैं खुद यूपी का रहने वाला हूँ ना। तो यूपी में कहाँ पे रहते हैं? यूपी में मेरा भाई रहा है, मैं भी वहाँ पे रह के आया। यूपी के बंदे अच्छे भी बहुत होते हैं, हरामी भी बहुत होते हैं। किस जगह से? यूपी में आप मुरादाबाद से ना? हाँ उधर की तरफ। तो हम आगे ही रहते हैं थोड़ा, चंदौसी की तरफ। अच्छा चंदौसी की तरफ रहते हैं? चंदौसी भी मेरा आना जाना बहुत बार हुआ है। तो सर आपका नाम क्या है? हाँ जी, आपका नाम क्या है? अंकुर। अंकुर, थोड़ा आजू बाजू की जगह बताओ सर, चाय नाश्ता करने आएंगे कभी? आएंगे सर, आएंगे, कर लेंगे ना कभी। ठीक है सर, फिर आप अपने हिसाब से डाल दो, क्या डालना है। ठीक है ठीक है, ओके सर, बाय बाय। रितेश जी, मनोज बात कर रहा हूँ, कैसी फाइनेंस से? ओ मनोज बताओ। या आपने अप्रैल मंथ का पेमेंट नहीं किया सर? मनोज आप जब भी मुझे कॉल करे करो ना, तो अब रितेश मत बोले करो, बोले करो आईपीएस रितेश। क्या बोल रहे हो? आप जब भी मुझे कॉल करना तो रितेश मत बोलना, बोलना आईपीएस रितेश। रितेश जी आपका पेमेंट हुआ नहीं अभी तक, बोले यार फिर से आप रितेश बोलो, आईपीएस रितेश बोलो, आईपीएस रितेश। आईपीएस की फुल फॉर्म पता है तुम्हें? अरे पेमेंट की बात करो ना।
पेमेंट किया मजा नहीं आया। पहले आईपीएस तेज बोले, आईपीएस की फुल फॉर्म पता है तुम्हें? हाँ आईपीएस की फुल फॉर्म पता है? मैं क्या बोलता हूँ आप उस वो तू जो बोलता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है यार। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनने का भी आया मैं साथ में, ठीक है? आईपीएस तेज बोलो, आईपीएस, आईपीएस का फुल फॉर्म पता है? पेमेंट, पेमेंट की बात करो तुम, पेमेंट की बात करो। आईपीएस रितेश, आईपीएस रितेश। शकल आपकी देखी है आपने? शकल मेरी पता है? चलो छोड़ो यार, शकल पे मत जाया करो, तुमसे कितनी बार बोला है। अब मैं कुछ बोल दूंगा फिर तुम बोलोगे सर आपने ऐसे बोल दी। आईपीएस का फुल फॉर्म पता है तुम्हें? तुमसे बेटर पता है मुझे, तुमसे बेटर पता है मुझे। गवार के गवार रहोगे, बताओ फिर। वो सब छोड़ दीजिए ना, पेमेंट की बात करो ना। गवार के गवार, पेमेंट की बात नहीं कर रहे हो, गवार पैसा भरो ना फिर। आईपीएस की फुल फॉर्म बताओ, फालतू बात छोड़ो, पैसा नहीं। आईपीएस की फुल फॉर्म बताओ, पैसा खा के बैठो, पैसा नहीं। आईपीएस की फुल फॉर्म बताओ तुम मुझे। नहीं बताओ ना मुझे, पता है आईपीएस पैसा? तुम यार पता है, तुम यार ऐसे ही रहोगे जाहिर, तुम आईपीएस की फुल फॉर्म नहीं पता। तुमको आईपीएस की फुल फॉर्म जानना ना, इंडियन पब्लिक सर्विस, ठीक है? हो गया। हेलो 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 हेलो, साहू बात कर रहे हैं? हेमराज साहू बात कर रहे हैं, बताइए मैडम। नमस्कार सर, आईसीआईसीआई बैंक से आपसे अंजलि बात कर रही हूं। ओह मिस अंजलि, हाउ आर यू मिस अंजलि? सर आई एम फाइन। आपका 2007 कार्ड की पेमेंट ड्यू आ रही है, कब तक पे कराएंगे सर? मैडम पे कराएंगे इसको 2 महीने बाद। कितने दिन में? मैडम कौन से बैंक का बताया था? आईसीआईसीआई। मैडम 2 महीने बाद। क्यों सर, अभी तक आपको टाइम ही मिल रहा था ना इतने टाइम से, और आप 2 महीने का टाइम? मैडम टाइम मिलने का था, टाइम लिया था मैंने। क्या सर? टाइम मिलने का था, टाइम लिया था, यानी आप अगर देने नहीं। मैडम मैडम मिलने और लेने में अंतर होता है। जैसे मैडम आप ना, जैसे आप किसी को टाइम देने की बात करते हो ना, तो आप टाइम तो 1 दिन का ना दो, जैसे ही उसका मैडम पेमेंट तो मैं कराऊंगा ही नहीं, वही तो बता रहा हूँ, आप समझ ही मेरी बात को मैडम। रोज कॉल कर देते हैं रिकवरी एजेंट रात को। मैडम मेरा ना इंटेंशन खराब है। अच्छा तो फिर लिया क्यों था, जब इंटेंशन ही खराब है? मैडम ये तो लेने के बाद जो है ना, मैंने अपना इंटेंशन बिगाड़ लिया, क्योंकि मैंने कम से कम 50 लाख का डिफॉल्ट करा है। मैडम सही किया है, और थोड़ा करना चाहिए था। 50 लाख का डिफॉल्ट करा है, ऐसे बस जाओगे क्या? मैडम कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। मैडम वैसे मैंने सही किया है, थोड़ा और करना चाहिए था मुझे? क्या थोड़ा और करना चाहिए था डिफॉल्ट, या 50 लाख का ठीक है, 1 करोड़ तक मैं सोच रहा था ले जाने की इसको। एक मिनट लाइन पे रहो, फोन मत काटना। ठीक है मैडम। पेन पेन रेट, ये न्यूज़पेपर में भी आजकल अच्छी खबर नहीं आ रही, पुरानी पुरानी खबरें देखने को मिल रही। मैडम कॉफी बना रही होगी, कॉफी पिलाओगी क्या कॉल पर ही? कहीं आप बोलो कॉफी बना। हेलो हेलो हेलो, या झूमे जहां सारा, बताइए। हेलो, अरे बताइए। हेलो हाँ, प्रीति कुमारी से बात कर रहा हूँ। किससे? प्रीति कुमारी से। प्रीति कुमारी बताइए। प्रीति कुमारी से बात कर रहा हूँ, मैं जिससे से बात करूँगा आपसे सर। ले प्रीति। हेलो प्रीति। प्रीति हेलो, प्रीति का से बोल रहा हूँ मैं, प्रीति का। हेलो क्या बोल रहे? मैं कबीर बात कर रहा हूँ, प्रीति से बात करा दो। हाँ बोलते रहो, बोलो। हेलो, अरे बोलो। सुबह सुबह भाई पी के बैठ जाएगा? नहीं नहीं, पीते पीती मैं सिर्फ रात को। सुबह सुबह भाई पी के बैठ जाएगा, बात करा प्रीति से? नहीं पीती सिर्फ रात को, बताओ प्रीति बोल रही है। नंबर इंटरवल बहुत सारी। अरे बोलो ना क्या हुआ?
हेलो बुर हेलो अरे भाई साहब प्रीति जी से बात करी है मेरी। अरे प्रीति तो बोल रही है, बोलो ना। प्रीति बोल रहे हो? हाँ। अरे यार क्या बात है, आजकल आ नहीं रहे हो रेड लाइट तुम? रेड लाइट पे? हाँ आ नहीं रहे आज तुम यार। ये मुझे लगता है गलत प्रीति को कॉल लगा लिया तुमने। जनकपुरी में खड़ी रहती हो? अरे गलत प्रीति को कॉल लगा लिया, गलत प्रीति को। अच्छा गलत प्रीति को कॉल लगा दिया मैंने। तो आप भी तो प्रीति बोल रहे हो ना? अरे मैं प्रीति नहीं हूँ। अच्छा जी, क्या बहन तो कस्टमर आए थे तेरे? नहीं नहीं मैं वो प्रीति नहीं हूँ, ऐसे ऐसे काम नहीं करती हूँ मैं। हेलो 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 गुड आफ्टरनून, प्रदीप बात कर रहा हूँ। थिएटर 24 के कलेक्शन डिपार्टमेंट से कॉल रिकॉर्ड हो रही है, क्वालिटी एंड ट्रेनिंग के लिए। आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। हेलो आ रही है? हाँ कॉल रिकॉर्ड हो रही है, क्वालिटी एंड ट्रेनिंग के लिए। पेमेंट जमा नहीं हुआ आपका थिएटर 24 का? भाई साहब एक काम करो, आप जो है ना, आपके टीएल है? हेलो क्या बोल रहे हैं? आपका सैनी जी बात कर रहे हैं ना आप? मेरा नाम प्रदीप है सर, मैं केटो 24 के कलेक्शन डिपार्टमेंट से ही बात कर रहा हूँ। आप आया ना मुझे, आपने बोला रतन लाल सैनी, पहले तो आप सीधे सर पेमेंट दे दो सर, कंफर्मेशन तो कर लो, मजा नहीं आया था। कंफर्मेशन ही तो कर रहा हूँ ना सर आपको, आपको ही पूछ रहा हूँ, आप पेमेंट जमा नहीं कर रहे हैं। अरे कंफर्मेशन नाम की करनी होती है, बिना कंफर्मेशन करा आप ये बोल रहे हो कस्टमर? पेमेंट जमा करवाओ, 13 दिन से आपको, 13 दिन से आपको कॉल जा रही है ना सर। पेमेंट नहीं करवा रहा, आपका लोन एक्सपायर, पेमेंट नहीं करवा रहा, क्यों नहीं करवा रहे? मजा नहीं आया तुम्हारे बोलने के तरीके। तो रिकॉर्डेड लाइन निकाल कर ना पेन ड्राइव में भर के टीएल को दे दो, मुझे जेल करा देगा, मुझे कोर्ट में बुला। दिमागी रूप से आपने डाल लिया है कि पैसा जमा नहीं कर रहा आपको पता है? दिमागी रूप से तो मैंने रात को डाला था, पैसा भी बढ़ रहा है, वो तो मैंने रात को डाला था दिमागी रूप से। अब वो जो है ना, मैं काम गंदे काम जो है ना हर महीने में करता हूं। जमा करोगे आप बताइए? मन ही नहीं कर रहा यार देने का, मन ही नहीं कर रहा। मध्य प्रदेश का? अरे आ जाओ तुम जल्दी से, ठीक है जल्दी से। जमा नहीं करना चाह रहे आप, जमा करवाओ ना। नहीं जमा में करवाते ही नहीं है, मैं तो लेके देता ही नहीं। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और NBFC हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।